हेलो किसान भाइयों, हमारे एग्रीकल्चर वाइटी मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक, मैं उत्तर प्रदेश से, और आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा जो केला है इसके पत्ते जो है उसको कैसे काटते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा भी कि इसको हमें पहले क्या करना होता है, फिर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे ये केला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके जो भी पत्ते हैं उसको कैसे तोड़ते हैं ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये पत्ता है, इसको यहाँ से पहले तोड़ दिया जाता है। ऐसे तोड़ने के बाद इसे एक दो हफ्ते जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, एक दो हफ्ते छोड़ने के बाद ये सूख जाता है, ये पत्ता सूख जाता है। जैसे ये सूखा हुआ है ऐसे, अभी देखिए दो दिन पहले इसे काटा गया था सूखने के बाद, क्योंकि अभी इसमें जो हम दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं उसमें ऐसे हम छोड़ देंगे। फिर एक दो हफ्ते जितने भी पत्ते हैं उसको हमें ऐसे ही करना है। जब ये दो हफ्ते रहेंगे तो ये सूख जाएंगे, सूखने के बाद क्या होगा कि हम जो भी लेबर लगा के हम इसे क्या करते हैं, कटवा देते हैं, कटवा के हम खेत से बाहर निकलवा देते हैं। खेत से बाहर निकलवाने से क्या होता है कि हमारा खेत पूरा साफ रहता है। जैसे हमारा खेत देख रहे होंगे आप, काफ़ी साफ होगा, ऐसे पूरा खेत साफ रहेगा। ये सारी प्रोसेस है आप पत्ते काटने के, क्योंकि अगर पत्ते आपके खेत में हैं वो, क्योंकि जब पत्ते कटते हैं तो ये पौधा और ऊपर तक जाता है। ये देख रहे होंगे यहाँ से पत्ता कटा, फिर यहाँ से कटा, यहाँ कटने के बाद ये पौधा जो है ये काफ़ी बढ़ता जाएगा तब ये इसका जो भी ग्रो है यहाँ ये बहुत अच्छा होगा, और जो भी फल निकलेगा वो ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा, ऊपर तक ही रहेगा। इसलिए हमें इसको पत्ते को काटते रहने से ये क्या होता है, पौधा बढ़ता है। तो देखिए ऐसे किसान भाइयों, पत्ती को कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसे कितने दिन बाद काटते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। ठीक है, यदि आप कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो बना के हमारे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, हम आपके वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ऐसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।